नमस्कार बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति भी आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम नवीं कक्षा के विज्ञान का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पदार्थ किन चीज़ों से बना होता है, ये कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हैं। अब ये देखते हैं कि बच्चों आपने पहले क्या पढ़ा है। आपने अपने आसपास की चीज़ें देखी होंगी, ये चीज़ें किन किन वस्तुओं से बनी हैं, ये वस्तुएं कहाँ किस प्रकार से उपस्थित होती हैं। हम इस चैप्टर में यह पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या क्या है, पदार्थ किन किन कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से होता है और वाष्पीकरण। तो आइए बच्चों, अब हम इस चैप्टर के बारे में और ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आप क्या जानते हो, आप अपने आसपास क्या देखते हैं, यह वस्तुएं कौन कौन सी सामग्री से बनी हैं और यह देखने में किस प्रकार की हैं। बच्चों, यह तो सब आप जानते ही होंगे। आइए अब हम यह देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखना है। सबसे पहली चीज, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन कर सकता है और वाष्पीकरण। इन चीजों के बारे में आइए अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में सीखते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूपों में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। बच्चों, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बच्चों, आपने अपने घरों में जरूर देखा होगा कि जब सूर्य का प्रकाश एक खिड़की या रोशनदान से अंदर आता है, तब हमें इस प्रकाश में छोटे छोटे कण तैरते दिखाई देते हैं। आप इन कणों के अंतर्गत रिक्त स्थानों को भी देख पाएंगे। आइए बच्चों, अब हम इसे एक क्रियाकलाप से समझते हैं। हमें एक ग्लास में जल लेना है और जल में नमक घोलना है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इसके कारण जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के अंतर्गत रिक्त स्थान होता है, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है। पानी के कणों के बीच खाली जगह थी जिसमें नमक के कणों ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। आइए बच्चों, अब हम एक क्रियाकलाप की सहायता से यह देखते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं। पानी के एक गिलास में एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही की डाल दें। इस ग्लास को बिना हिलाए देखें कि कैसे एक बूंद स्याही के कण पानी में गतिशील कणों के कारण अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए, जिसके कारण यह स्याही पूरे पानी में घुल गई। पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था का एक निश्चित आकार और आयतन होता है। इसके कणों का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और इनके कणों के बीच रिक्त स्थान न के बराबर होता है। यह कण अपने ही स्थान पर उपस्थित होते हैं। अलग अलग बर्तनों में रखने पर भी ठोस के कण या ठोस पदार्थ अपना आकार परिवर्तित नहीं करता है, जबकि यदि हम द्रवों की बात करें तो द्रवों का ना तो निश्चित आकार होता है, लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है,
उन्हें जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसी बर्तन का शेप ले लेते हैं। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल भी ठोसों की तुलना में थोड़ा कम होता है। ठोसों के मुकाबले कम आकर्षण बल के कारण ही कणों के मध्य रिक्त स्थान भी पाया जाता है। द्रवों के कण एक खास पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। ठोस और द्रव के मुकाबले यदि हम गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम यानी कि न के बराबर होता है और इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। गैसों के कण बहुत अधिक गतिशील होते हैं अर्थात आकर्षण बल मात्र न के बराबर है। जब हम पानी से भरे एक बीकर में एक पत्थर को फेंकते हैं तो आप क्या देखते हैं? पत्थर डूब जाता है। पत्थर क्यों डूबा? पत्थर इसलिए डूबता है क्योंकि पत्थर का घनत्व द्रव से ज्यादा है। तो जब हम ठोस पदार्थ और द्रव की बात करते हैं तो ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव और गैसों की तुलना में ज्यादा होता है। बच्चों, हमें पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में तो सीख लिया, लेकिन क्या ये अवस्थाएं आपस में बदल भी सकती हैं? चलिए अब हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि ठोस द्रव में, द्रव गैस में बदल सकता है। हाँ बच्चों, ये अवस्थाएं आपस में बदल जाती हैं। जैसे जल यह तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, द्रव के रूप में यानी कि पानी, ठोस के रूप में यानी कि बर्फ और गैस के रूप में यानी कि जलवाष्प या भाप। और यह बच्चों तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में इस प्रकार से परिवर्तित होती हैं। ठोस अवस्था को जब गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। द्रव अवस्था को ताप देने पर वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। गैसीय अवस्था को जब हम ठंड या शीतलता देते हैं तो वह फिर से द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था को जब ठंड या शीतलता प्रदान की जाती है तो वो ठोस अवस्था में बदल जाता है। चलो बच्चों, अब हम यह देखते हैं कि तापमान परिवर्तन का इन अवस्थाओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ के टुकड़े लें और उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर या प्रयोगशाला थर्मामीटर को इस प्रकार से लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर हम बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान को नोट करें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान को नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और उसे हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन का प्रेक्षण को नोट करें। आप सभी ने यह देखा कि तापमान का प्रभाव पदार्थ की अवस्थाओं पर किस प्रकार होता है, कैसे तापमान में बदलाव के कारण ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदल गया। जब ठोस अवस्था पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो वह तापमान उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या अगर हम इसे केल्विन में व्यक्त करें तो बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। बच्चों, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह तापमान उस पदार्थ का या उस द्रव का क्वथनांक या उबलन अंक कहलाता है। जल का क्वथनांक 100 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और यदि हम इसे केल्विन में व्यक्त करें तो यह 373 केल्विन होता है। बच्चों, यह तो हमें पता चल गया कि अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन यह क्यों बदलती हैं? इसके कारण क्या हैं? हम उन कारणों के बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि तापमान बदलने से पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है।
पर क्या तापमान के साथ साथ दाब को घटाने या बढ़ाने से भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है? आइए अब हम इस विषय के बारे में जानते हैं। कम तापमान पर जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो उसके कणों में आपसी आकर्षण बल बढ़ जाता है और यह बल कणों की गतिशीलता को कम कर देता है और यह कण एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। अगर हम दाब को और अधिक बढ़ा दें तो यह कण और भी नजदीक आ जाते हैं और पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, जब कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर रखा जाता है तो यह एक एटमॉस्फेरिक दाब पर द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। बच्चों, हम यह जानते हैं कि पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में पदार्थ की कणों की गति भी अलग अलग होती है। अगर हम द्रव पदार्थ की बात करें तो उसके क्वथनांक से पहले इसके कणों की गतिज ऊर्जा ऊपरी सतह पर ज्यादा होती है और निचली सतह पर कम होती है। अर्थात जब हम किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो ऊपरी सतह के कणों की गतिज ऊर्जा नीचे वाली सतह की कणों की गतिज ऊर्जा से ज्यादा होती है, तो ऊपर के कणों के मध्य आकर्षण बल को तोड़ना आसान होता है। इसी कारण द्रव गैसीय अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात जब कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए तो यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। बच्चों, आइए अब हम यह देखते हैं कि वाष्पीकरण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहला सतही क्षेत्रफल। आपने देखा ही होगा कपड़ों को सुखाते हुए, जब हम कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं तो वो आसानी से सूख जाते हैं, लेकिन अगर उन्हीं कपड़ों को गीला करने के बाद हम इकट्ठा करके रख दें तो उन्हें सूखने में टाइम लगता है। तो सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है तापमान। हमें पता है गर्मियों में कपड़े सर्दियों की तुलना में जल्दी सूखते हैं, या गर्मियों में अगर आपने फर्श पर पोछा लगाया है तो सर्दियों की तुलना में वो पोछा बहुत जल्दी सूख जाता है। कारण यह है कि गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है और तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तीसरा कारक जिस पर वाष्पीकरण निर्भर करता है वह है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब है हवा में नमी या जल वाष्प की उपस्थिति। जब वातावरण में पहले से ही जल वाष्प उपस्थित है या नमी उपस्थित है तो किसी भी सतह से पानी का उड़ना कम हो जाता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में उस पानी के लिए, उस जल की वाष्प के लिए जगह नहीं होती। तो जब जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी वाष्पीकरण की दर उतनी ही कम होगी। तभी आपने देखा है कि बरसातों के समय में जुलाई अगस्त में जब हल्की सी नमी वातावरण में ज्यादा होती है तो अगर हम कपड़ों के सूखने का उदाहरण लें तो कपड़े देर से सूखते हैं, एज कम्पेयर टू अगर हम मई जून की बात करें जब वातावरण में गर्मी ज्यादा होती है और आर्द्रता कम होती है। तो आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। चौथा कारक जो कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है वह है हवा की गति। बरसातों के टाइम में जब हम बाहर कपड़े नहीं सुखा पाते तो हम क्या करते हैं, घर में पंखे के नीचे भी अपने कपड़े सुखा लेते हैं। हवा अगर तेज चल रही हो और सूर्य का प्रकाश ना हो तो भी वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। अर्थात हवा की गति वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है। जितनी तेज हवा की गति होगी वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। तो इस प्रकार वाष्पीकरण चार मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारक है तापमान, सतही क्षेत्रफल, हवा की गति और आर्द्रता। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्दी खत्म होने पर हम सभी
अपने गर्म कपड़ों को और कंबलों को संभाल कर रख देते हैं। आपने देखा होगा कपड़े संभालते वक्त हम उसमें नेफ्थलीन बॉल्स, व्हाइट कलर की बॉल्स को डालते हैं या जिन्हें हम फिनाइल की गोलियां कहते हैं, यह रखी जाती हैं। और आपने पिछली सर्दियों में भी इन कपड़ों के साथ इन बॉल्स को रखा होगा, लेकिन जब आपने इन सर्दियों में इन कपड़ों को निकाला तो आपने देखा होगा कि गोलियों का आकार पहले से कुछ बदला हुआ है, अर्थात यह थोड़ी छोटी हो गई है। तो यह ठोस पदार्थ कहाँ गया? आप देखेंगे या महसूस करेंगे कि आपके कपड़ों में से नेफ्थलीन बॉल्स की स्मेल आती है, गंध आती है। इसका मतलब यह है कि जो ठोस पदार्थ है वह वाष्प बनकर आपके कपड़ों में समा गया। यह ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो गया। इस परिवर्तन की विधि को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसे हम अपनी प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। इसे प्रयोगशाला में करने के लिए हम नेफ्थलीन बॉल्स की जगह एक और ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करने वाले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। इसके चूर्ण को चीनी मिट्टी की प्याली में रख दें। इस चीनी मिट्टी की प्याली को बर्नर की सहायता से गर्म करें। जब यह ठोस पदार्थ जो कि अमोनियम क्लोराइड है गर्म होगा, तब हमें इसके धुएं या फ्यूम्स निकलते हुए दिखाई देंगे, जिसे हम वाष्प कहते हैं। यह वाष्प बनकर वायु में उड़ता दिखेगा। यह ठोस पदार्थ अमोनियम क्लोराइड बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। बच्चों, आपने देखा ही है कि जैसे ही हमने अमोनियम क्लोराइड के नीचे बर्नर रखा और उसे गर्म करना शुरू किया, तो अमोनियम क्लोराइड वाष्प में परिवर्तित हुआ और गैसीय रूप में ऊपर की तरफ उड़ गया। आप सभी ने ये देखा कि यहाँ पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। अगर इस चीनी मिट्टी की प्याली पर हम उल्टी कीप रख दें तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर पाइप जब ठंडी हो जाती है तो कीप के इस हिस्से में यह गैसीय कण दोबारा ठोस में बदल जाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है, जिसमें ठोस गैस में परिवर्तित होते हैं बिना द्रव अवस्था में बदले, और गैस ठंडा होने पर दोबारा ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों, आपने इस क्रियाकलाप में यह देखा कि कुछ ठोस पदार्थ हमारे पास ऐसे हैं जो कि द्रव अवस्था में बदले बिना ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स, ये इसका उदाहरण है। जब ऊर्ध्वपातन करने के पश्चात यह गैसीय पदार्थ ठंडे होते हैं तो ठंडा होने पर यह गैसीय पदार्थ फिर से ठोस में बदल जाते हैं, और यह प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। चलिए बच्चों, वाष्पीकरण के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपने एसीटोन या नेल पेंट रिमूवर को अपने हाथ पर गिराते हुए देखा होगा। इस समय क्या होता है? गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? बर्फीले जल से भरे ग्लास या बॉटल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? चलिए बच्चों, अब हम इन सभी प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम यह पता करने की कोशिश करते हैं कि जब एसीटोन को हमारी हथेली पर गिराया जाता है तो क्या होता है। एसीटोन के कण जब हमारी हथेली पर गिरते हैं तो वह हमारी हथेली के आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमारी हथेली पर हमें शीतलता महसूस होती है। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है,
इसलिए हमारा पसीना इसमें से अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब देखते हैं कि बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आते ही कम हो जाती है और यह जल वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में ग्लास की सतह पर दिखाई देती हैं। बच्चों, अब हम पदार्थ की अवस्थाओं को देखते हैं। ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था है प्लाज्मा और पांचवी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठोस, द्रव और गैस, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए अब हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, उदाहरणतः फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब। इनमें पदार्थ के कण प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की यह अवस्था सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन के नामों पर रखी गई है। पदार्थ की अवस्था बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से प्राप्त होती है। चलिए बच्चों, अब एक बार दोहराई करते हैं जो हमने अब तक सीखा है। जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, अर्थात वो स्थान घेरती हैं, वो वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ तीन मुख्य अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, यानी कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तित हो सकती हैं। ठोस पदार्थ यानी कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पाया जाता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन में दबाव का या दाब का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आशा है कि आपको इनके उत्तर अवश्य आते होंगे। पहला प्रश्न, 373 केल्विन को सेल्सियस में बदलें। इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। पदार्थ की नई खोजी हुई दो अवस्थाओं के नाम बताइए। पदार्थ की नई खोजी हुई दो अवस्थाओं के नाम, पहली अवस्था है प्लाज्मा और दूसरी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या जिसे हम BEC भी कहते हैं। अब हमें मिलान करना है पदार्थ की अवस्थाओं को तापमान से। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, तापमान है 140 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस। तो ठोस अवस्था जो है वो किस तापमान पर पाई जाएगी? -10 डिग्री सेल्सियस पर। जब तापमान बढ़ेगा, लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो द्रव अवस्था आ जाएगी और गैसीय अवस्था 140 डिग्री सेल्सियस पे। बच्चों, इसी के साथ हमारा पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ समाप्त होता है। इसे ध्यान से पढ़िए और आप लोग तंदुरुस्त रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।